हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल मार्केट इन्वेस्टिंग आईडी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ वह सिनकॉम फार्मुलेशन इंडिया लिमिटेड। दोस्तों, ये बहुत पैनी स्टॉक है और ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका जो वर्ल्ड वाइड जो बिजनेस है वो 15 देशों में है और 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट इनके नाम है। तो दोस्तों, इस कंपनी के जो पैरामीटर की बात करते हैं, ये 1135 करोड़ की एक माइक्रो कैप कंपनी है। करंट प्राइस वैल्यू 13 रुपये, अगर लो की बात करते तो 3 रुपये और 52 हाई 14 रुपये का है। स्टॉक का पी 40 के लगभग है। अगर आप इसके इंडस्ट्री पी से बात करते तो थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये पैनी स्टॉक है तो इसका पी ज़्यादा है। परंतु जैसे जैसे ये ग्रो होगा वैसे वैसे इसका स्टॉक का जो पी वो भी एडजस्ट होगा। तो ये अगर अच्छा खरीदना चाहते हो तो थोड़ी क्वांटिटी में आप खरीद सकते हो। आरओसी और आरओ की बात करें तो लगभग 18 और 21%, जो कि काफ़ी अच्छा है। इसका फेस वैल्यू 1 रुपये के बराबर। दोस्तों, इसके जो पी की अगर हम इसके पीयर से कंपेयर करते हैं दोस्तों, तो देखिए अगर हम कंपेयर करते हैं तो देखिए, जो जिनका मार्केट कैप अगर 2000 करोड़ का है उनका पी 45 के ऊपर है। दोस्तों, उनके कंपेरिजन में इस कंपनी का जो पी वो 40 का लगभग, तो दोस्तों इसमें आगे बढ़ने का पोटेंशियल काफ़ी है दोस्तों। उसी प्रकार जैसे जैसे ये कंपनी 1135 करोड़ के लगभग, अगर जैसे 20,000 करोड़ 5,000 करोड़ बनेगा तो उसका पी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। दोस्तों, इसके क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, कभी 5 करोड़ होता है, फिर 12 करोड़, 13 करोड़, फिर 8 और अभी 5, 7 से 12 करोड़ के इसमें इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस वेरी हो रहा है। अगर ईयर ऑन ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो वो काफ़ी शानदार, वो बढ़ ही रहा है। देखो, पहले 10 करोड़ था, फिर 16, 18, 20 करोड़ हुआ, फिर ये 38 करोड़ हो गया 2020 में और 21 के बीच में, कोरोना के बाद में इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी बढ़ा है। परंतु दोस्तों, इसका एक चीज़ पॉइंट हमें ध्यान रखना होगा कि देखिए दोस्तों, ये अगर कंपनी बैलेंस शीट की बात करते, 2020 में कोरोना के टाइम पे 2 करोड़ था बोरोइंग उधारी जो देखा जाए, परंतु 2021 में इसका हो गया बढ़ के 62 करोड़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। परंतु इसका जो रिजर्व है, जो इनके पैसे की जो इनके पास मात्रा है, जो भंडार इनके पैसे के पास इस कंपनी के पास, वो देखिए दोस्तों 99 करोड़ के बाद 123 करोड़। तो अगर इसका बोरिंग देखे 64 करोड़ और इसका जो रिजर्व है वो 123 करोड़, तो इसके आधे के बराबर है, तो भी कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि ये ग्रोइंग कंपनी है अभी। तो दोस्तों, ये इसका एक निगेटिव पॉइंट है। परंतु दोस्तों, अगर इसका बाकी पैरामीटर देखें तो काफ़ी शानदार है। जैसे मैंने आपको बताया, आरओसी और आरओई पैरामीटर काफ़ी अच्छा है, उसी प्रकार मार्केट कैप भी अच्छा है दोस्तों, ग्रोइंग कंपनी है। अब दोस्तों, इस कंपनी के अगर हम सीएजीआर की बात करते, देखिए दोस्तों, कोई भी पेनी स्टॉक का जो अगर हमको देखना है तो उसके पिछले 5 से 10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। दोस्तों, इस पिछले दस सालों में ये कंपनी ने सीएजीआर काफ़ी शानदार 29% का है, 5 साल में 40% का, अभी 1 से 3 साल के इसमें अच्छा खासा रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, आने वाले समय में इसका 5 से 10 साल का जो सीएजीआर वो भी इम्प्रूव होगा। और दोस्तों, और एक बात है, अगर इस स्टॉक में अगर इन्वेस्टर की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी 41% बढ़ा के 44% की थी, जिसका मतलब होता है कि प्रमोटर इस कंपनी में काफ़ी भरोसा रखते हैं और मैनेजमेंट इस कंपनी को आगे बढ़ाने में काफ़ी सक्षम है। उसी प्रकार पब्लिक की होल्डिंग 58% से घटकर 55% हो गई दोस्तों। तो जहाँ प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, वहाँ पर पब्लिक ने अपनी हिस्सेदारी कम की है। तो दोस्तों, आप अगर चाहते हो तो इस स्टॉक को आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। दोस्तों, अब इस कंपनी के चार्ट की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, 5 दिन में अगर रिटर्न की बात करते हो 10% की रिटर्न है, 1 महीने में अगर देखा जाए तो 42% की पॉजिटिव, जो कि काफ़ी शानदार है, 6 महीने में 62%, बहुत अच्छा है, 1 साल में देखा जाए 277%, लगभग 2.5 गुना से ज़्यादा आपको रिटर्न देता है अगर आप इसमें 1 साल पहले निवेशित किए रहते तो। उसी प्रकार 5 साल अगर पहले किए तो 575% के रिटर्न दिया रहता आपको। दोस्तों, ये कंपनी को मैंने लगभग 8 से 9 रुपये के बीच में खरीदा हूँ दोस्तों, और मैंने कुछ इसके 100 से 200 क्वांटिटी होल्ड कर रखा हूँ। अगर आप चाहे तो इसे खरीद कर लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो। उसी प्रकार जब से ये आई है कंपनी, तब से इसका रिटर्न 2000% का रिटर्न है। दोस्तों, एक बात अभी देखने लायक है ये कंपनी का कि देखे दोस्तों, जब भी ये बढ़ता है तो थोड़ा कम होता है, फिर और बढ़ा 8 रुपये तक पहुँचा, फिर ये 6 रुपये में आ गया, फिर बढ़ा 7 रुपये के लगभग, फिर ये 7 रुपये बढ़ के फिर ये वैल्यू आ गई, सॉरी ये 11 रुपये बढ़ा, फिर 9 रुपये में आ गए, अभी 13 रुपये में। तो ये जरूर ये थोड़ा डाउन जाएगा दोस्तों, तब आप इसमें छोटी थोड़ी क्वांटिटी खरीद कर लंबे समय तक होल्ड कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों, ये कंपनी मुझे लगती है काफ़ी ग्रोइंग कंपनी है और इसके जो रिटर्न है वो भी काफ़ी शानदार है, इन्वेस्टर का भी जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो भी अच्छी है दोस्तों। तो आप इसको अगर चाहते हो तो अपने पोर्टफोलियो में जगह देकर थोड़ा डाइवर्सिफाइड बनाने में मदद कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।